व्यवस्था आपने की थी, हम टोकन व्यवस्था को समाप्त करेंगे। ये मैं इस मन से इसीलिए कह रहा हूँ, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। abutimes.com tourism and media portal of Mount Abu, Abu Road, Sirohian around news, hotel booking, advertisement and a lot। कल रात्रि करीब 9 बजे जालौर सिरोही प्रभारी एवं खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया सिरोही विधायक संयम जी लोढ़ा जी के साथ माउंट आबू आए। माउंट आबू आगमन पर वह नगर पालिका परिसर पहुंचे, जिस पर नगर पालिका मंडल द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आने की एक वजह थी माउंट आबू में टोकन प्रक्रिया के लिए बनाई गई एकल खिड़की का उद्घाटन करना। यूं तो ये कार्यक्रम 6:30 बजे रखा गया था, लेकिन इसकी शुरुआत 9 बजे के पश्चात हुई। जनता इतने लंबे इंतज़ार के बाद जो मन में कुछ आशाएं या प्रश्न लेके आई थी, वो इस इंतज़ार में ही कहीं ना कहीं लुप्त हो गए। हालांकि संयम जी एवं भाया जी द्वारा अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं जनता को ये आश्वस्त कराने की कोशिश की कि सरकार माउंट आबू के मसलों से अवगत है एवं प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द माउंट आबू के ये सभी मसले हल किए जाए। इस दौरान पूर्व मुख्य उप सचेतक रतन देवासी, नगर पालिका अध्यक्ष जीतू राणा, नगर पालिका मंडल के विभिन्न पार्षद आबूजन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य जी को मंच पर बुलाया गया एवं जब सभी नेता अपने विचार रख रहे थे, तो सुनील आचार्य अपने को रोक नहीं पाए और उनके मुख से जनता का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, जब इस एकल खिड़की का पहले ही लोकार्पण हो चुका था, तो फिर ये एक बार लोकार्पण का क्या मतलब है। निडर नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य ने वर्तमान बोर्ड को यह भी याद दिलाया कि आपने चुनाव के पहले टोकन प्रक्रिया को खत्म करने का वादा किया था एवं आपने कहा था टोकन प्रक्रिया जनता के आत्मसम्मान का हनन है, यह एक अभिशाप है, और फिर आप इसके सदस्य कैसे बन गए। अभी आप सबकी बातें सुन रहा था मैं, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि दिल के पपोले जल उठे सीने के गाव से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसी शहर को जब आप कंक्रीट का जंगल बनाने पर उतारू हो जाते हैं, तब सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है कि ये धरती, ये पर्वत, ये पहाड़, ये खूबसूरती, इसके संसाधन सिर्फ इसलिए नहीं है क्या आप अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करते चले जाएं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को रोकना पड़ता है। माउंट आबू के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है, भालू है वगैरह है और भी जो है, उनका भी इस माउंट आबू पर हक है, उस जानवर का भी हक है, उस प्राणी का भी हक है, सिर्फ हम इंसानों का नहीं है। तो उनका अपना जीवन भी कैसे इस जंगल में वो अपना सामान्य नैसर्गिक जीवन जी सके, ये भी हम सबको सोचना है। आप ये साबित करो कि आप ढंग के हो, आप माउंट आबू के लिए कुछ करना चाहते हो, तो ये भी बदलवा देंगे हम, बदलवाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं उन लोगों में हूं जिसे माउंट आबू से प्यार है। प्रकृति ने जो सुंदरता यहां दी है, हम चाहें कितने प्रयत्न करें, लेकिन नई जगह पर हम इस चीज को पैदा नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ रहने वाले निवासियों का भी दायित्व बनता है कि उस सुंदरता को और बढ़ाने का हम प्रयास करें। जितना ये सुंदर रहेगा, स्वच्छ रहेगा, उतना ही यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना दिनों दिन बढ़ेगा, उतना ही आप लोगों का रोजगार बढ़ेगा, और भी कई प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में आप सभी को संबल मिलेगा। मैं इस मंच के माध्यम से आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आज जो ये कार्यक्रम है आपका टोकन का, एकल खिड़की का, ये तो एक छोटी सी वानगी है। निश्चित रूप से आपकी समस्याओं पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं और संयम जी भी बीच में और प्रयास करेंगे कि एक पूरा दिन यहाँ हम आपके साथ उठें, बैठें, आपसे
हर समस्या पर विस्तृत रूप से चर्चा करें, उसका व्यावहारिक रूप में क्या समाधान हो सकता है उस पर भी हम खुलकर चर्चा करें। आबू की जनता की बात करना चाहता हूँ। मेरे से पूर्व वक्ता ने भी ये कहा कि माउंट आबू के विकास के लिए हम सब एक हैं। मंत्री जी और संयम जी ने जब ये बात माउंट आबू की विधानसभा में उठाई, हमारे को बहुत अच्छा लगा। एक उन्होंने बात उठाई कि माउंट आबू के अंदर टोकन प्रथा क्या है, उस बात का निर्णय हम सुन रहे थे, हमने उस बात को बहुत अच्छी दिल से सुना। एक माउंट आबू की सर हम बात करना चाहते हैं कि माउंट आबू राजस्थान का एक ऐसा शहर है जहाँ पे हमारे को निर्माण सामग्री टोकन पद्धति के ऊपर लानी पड़ती है। जनता के द्वारा चुना गया ये बोर्ड है सर। नगर पालिका के बिल्डिंग बायलॉज पास हो चुके हैं, हम किस चीज की टोकन पद्धति के लिए कर रहे हैं? आपके द्वारा, जनता के द्वारा जो बोर्ड हमारे अंदर बनाया गया था उसके अंदर घोषणा आपने की थी हम टोकन व्यवस्था को समाप्त करेंगे। ये मैं इस मन से इसीलिए कह रहा हूँ, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक हमारी पीड़ा की बात कर रहा हूँ कि महोदय जब हमारा एक व्यक्ति इधर आता है स्कूटर के ऊपर 2x2 फुट का एक पत्थर लेके आता है, उसका स्कूटर सीज कर दिया जाता है। ये छोटी समस्या है। मैं आपने जो विधानसभा के अंदर जो प्रश्न उठाया और माननीय मंत्री जी ने कहा हम एक व्यवस्था कर रहे हैं, उन्होंने एक व्यवस्था की, 3 व्यक्तियों की कमेटी बना दी सर। उस कमेटी का हम आदर करते हैं, परंतु उस व्यवस्था के अंदर कुछ जटिलता जरूर आ गई सर। हम इसीलिए आपके सामने कहना चाहते हैं कि 3 व्यक्ति हैं जिसमें से एक कार्यालय आपने शिफ्ट कर दिया आबू रोड, उसके दस्तखत से ये हमारे को टोकन जारी होंगे। अब इस स्थिति के अंदर हम क्या संशोधन करेंगे, क्योंकि उसके अंदर कहा गया था इसके अंदर संशोधन करना है। मैं आपके माध्यम से मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर संशोधन करना है, माउंट आबू एक टूरिस्ट प्लेस है, हमारे को हर रोज कुछ ना कुछ निर्माण सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, हमारे को अगर हर रोज लाना पड़ेगा, 15 दिन इंतजार करेंगे तो ये कैसे संभव होगा? इसमें अगर संशोधन करना चाहते हो तो मेरी बात माने। मैं आबू की जनता की तरफ से अपनी बात रखना चाहता हूँ कि कुछ समय उस सामग्री के लिए आप उसको फ्री करें कि आपको 10 बोरी सीमेंट लानी है तो आप एक सिर्फ लिखित में आवेदन नगर पालिका में दें, 10 बोरी में अवैध निर्माण नहीं बनेगा। अगर 500 ईंटें लानी है, क्योंकि सर होटल के अंदर रेजिडेंस के अंदर अगर ड्रेनेज टूट जाएगी तो हम कैसे ये संभव हो पाएगा? अगर सर ये आप कर सकते हैं, संशोधन करना है कि उसके अंदर ये संशोधन हो जाए, माइनर रिपेयर के लिए किसी प्रकार की टोकन की व्यवस्था न हो, ये मेरा आपसे अनुरोध है। अगर ये होता है तो एक उचित होगा। दूसरा मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, विधानसभा के अंदर जनता की आवाज के ऊपर मान्य सदस्यों ने राय रखी कि माउंट आबू का उत्खनन कार्यालय शिफ्ट कर दिया जाए। महोदय यह अच्छा विचार हो सकता है, परंतु माउंट आबू के अंदर एक कार्यालय शिफ्ट होता है तो उसकी जरूर माउंट आबू के अंदर एक उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इस मंच के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि माउंट आबू के अंदर आबू डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करें, क्योंकि माउंट आबू एक ऐसा प्लेस है, राजस्थान का सिरमौर है। हम चाहते हैं कि आबू डेवलपमेंट कमेटी बन जाए तो माउंट आबू और माउंट आबू के पेरिफेरी विलेज है उनका एक पूरा हमारा सर्किट बन जाएगा और यहां का टूरिज्म बढ़ेगा। द आबू टाइम्स ऐप नाउ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर विल बी सून रिलीजिंग ऑन ऐप स्टोर। स्टे कनेक्टेड विद माउंट आबू विद आबू टाइम्स ऐप।